हेलो दोस्तों, माय विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पे मैं दिलीप कुमार नरूला आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर कुछ नया हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जिससे नई नई जानकारियाँ। इसी वजह से पिछली वीडियो में आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की गई थी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और उसको शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसकी वजह से आपको नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी हम लोग पहुंचाते रहेंगे। आज हम लोग नई जानकारी, नया वीडियो लेके आए हैं। एसएससी सीएचएसएल 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फॉर्म जो आए हुए हैं उस पर थोड़ी सी एनालिसिस, थोड़ी सी जानकारी, जिससे फॉर्म भरते समय, एग्ज़ाम देते समय और तैयारी करने के लिए कुछ जानकारी हमारे पास आ जाए। जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहली शुरुआत तो ये हो जाती है, देर ना हो जाए फॉर्म भरने में। लास्ट डेट 10 जनवरी पास आती जा रही है, तो अंतिम डेट का कुछ लोग इंतज़ार करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी नुकसान ये होता है कि लास्ट डेट ख़त्म होने के 3-4 दिन पहले सर्वर बिजी हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो 10 जनवरी 2020 लास्ट डेट, उससे पहले जनवरी आने ही मत दीजिए, उससे पहले इसी साल वाला काम निपटा के किनारे करिए। अब हमको ध्यान देना है इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट, टायर 1 का जो एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है। ऑनलाइन टायर 1 का, टायर 1 का हमारा एग्ज़ाम 16 से 27 मार्च 2020 को हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप टायर 2 की बात करते हैं तो वो 28/6/2020 को होना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान और देना है। टायर 1 की जो निगेटिव मार्किंग है हमारी, वो है 0.5, हर एक गलत आंसर पे 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो गलत आंसर भी नहीं देना है। अब मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए तो मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्स एज 27 इयर्स, 18 से 27 रेंज है हमारी। और इसके बाद अगर टायर 1 के 4 सेक्शंस जो आने हैं, चारों सेक्शंस की बात करें तो टोटल हमारे पास आने हैं 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होने हैं 200। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, चारों सब्जेक्ट वही जो पुराने हैं हमारे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इन चारों के आपके 25 25 25 एंड 25 क्वेश्चन और इनके मार्क्स 50 50 50 50, टोटल मार्किंग 200 और टोटल क्वेश्चन 100। इसका आपको ध्यान देना है। अब अगर इसमें मैथ के सेक्शन की बात करें तो मैथ के सिलेबस पे आना पड़ेगा हमको। मैथ के सिलेबस की बात करें तो इसमें इन्होंने 7 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इसको। पहले सेक्शन में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपके केवल नंबर सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर के जो ब्रैकेट्स में उन्होंने चैप्टर के नाम लिखे हैं उसको ध्यान देना भूल जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के साथ आपका सिंप्लीफिकेशन ऐड है, डेसिमल फ्रैक्शन ऐड है, सर्स एंड इंडीज ऐड है, इन सबको मिला के नंबर सिस्टम फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। उसके बाद जब आप सेकेंड नंबर पर आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे कई चैप्टर बिलोंग करते हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब केवल सिंपल इंटरेस्ट से नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल एंड कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज़ आनी होती है तो वो फाइनली लिखते हैं कि SI या CI, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा गया, इसका मतलब पूरा दोनों इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। आप टाइम एंड डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपका ट्रेन चैप्टर, बोट एंड स्टीम और टाइम एंड डिस्टेंस तीनों चैप्टर ऐड हैं। इसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क, इसमें आपका 2 चैप्टर बिलोंग करते हैं, 2 से 3 चैप्टर टाइम एंड वर्क,
पाइप एंड सिस्टर्न, वर्क एंड वेज, इन तीनों को कंबाइंड रूप से उन्होंने टाइम एंड वर्क से डिनोट करवा दिया। अब उसके बाद जब आगे आप पढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं बेसिक एलजेब्रा। तो एलजेब्रा के बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन नहीं, केवल आपको बेसिक ऑपरेशंस चाहिए एलजेब्रा का। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर पे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका सर्कल की कॉर्ड्स वगैरह, टेंजेंट वगैरह से क्वेश्चन और ट्रायंगल वगैरह से क्वेश्चन की सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, उससे क्वेश्चन आपके आने हैं। पांचवें नंबर पे आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर बात की जाए तो ये दो चैप्टरों को मिला के बनती है। एक आपका हो जाता है एरिया 2D फिगर और एक आ जाता है 3D फिगर। मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट वॉल्यूम, आयतन। फिर आप पढ़ते हैं सिक्स नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स ऑपरेशंस आने हैं। और लास्ट पे आता है आपका स्टैटिकल चार्ट, DI से रिलेटेड क्वेश्चन, चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपके पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टायर सेकंड पे, तो ये हमारा ऑनलाइन पेपर नहीं होना है, ये पेपर एंड पेन मोड है हमारा। इसमें मैक्स मार्क्स हैं हमारे 100 और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 33%। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं हिंदी में देना है कि इंग्लिश में, ये आपका टायर सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद टायर थर्ड पे जब आप पहुंचते हो तो स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट हो जाता है हमारा। तो इस तरह आपने देखा कि अगर किसी फॉर्म को भरते समय इतनी जानकारी हम लोग के पास हैं, उसके बाद जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले पेपर्स को एनालिसिस करने के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करते हैं तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कितना ज़्यादा पढ़ना है उस पर ध्यान कम देना होता है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है उसका ध्यान ज़्यादा देना होता है। तो इसका आप लोग अगर ध्यान देंगे, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, लगातार अपडेट्स, लगातार पेपर, लगातार फॉर्म और उनकी एनालिसिस, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज, टारगेटेड वाइज हम लोग आपके साथ हैं और लगातार तैयारी करवाते रहेंगे। थैंक यू।